हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी दिल की कमज़ोरी के लिए, उन दोस्तों के लिए जिनकी बहुत घबराहट होती है, उनको पता भी नहीं होता कि हम किस चीज़ से घबरा रहे हैं और फिर भी घबराहट रहती है। कहीं किसी की लड़ाई देख ली या किसी का के साथ झगड़ा किसी का देख लिया तो उनका अपना शरीर कांपने लगता, डरने लगते हैं। कुछ लोगों का मन इतना दिल कमज़ोर होता है कि किसी ने थोड़ा सा ज़ोर से उनको दबक दिया या कोई हादसा देख लिया तो काफ़ी कई घंटों तक उनका शरीर अंदर से कांपता रहता है। ऐसे दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उनको सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो घबराहट के कारण ही अपने आप को कमज़ोर समझते रहते हैं, जिसके कारण उनकी बीवियों का उन पे दबदबा बढ़ता रहता है। कुछ उनके अंदर कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन सेक्स के दौरान या सेक्स से पहले उनको पहले ही मन घबराने लग जाता है, जिसके कारण उनको वैसे नेगेटिव ही सोच बन जाती है कि शायद मैं अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाया हूँ या कर नहीं पाऊँगा, ऐसे घबराहट उनको रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे ऑफिस में काम करते हैं और उनके जो सर हैं उनसे बिना मतलब से उनको डर रहता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हालांकि जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर लोग सेक्स के मामले में, पारिवारिक मामले में उनके दिल में घबराहट रहती है। आप अगर मैं उदाहरण दूं तो काफ़ी उदाहरण बन सकते हैं, तो इसको ज़्यादातर बुजदिली बोलते हैं। बुजदिली यानी कि उनके दिल में ताकत नहीं है, उसके दिमाग में पूरी कोशिश है, पूरा जोश है कि वो अच्छी तरह से सेक्स कर सकता है, किसी से बातचीत कर सकता है, तो सब कुछ उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो उनका दिल उनका साथ नहीं देता। दिमाग में पूरी चुस्ती और पूरा विश्वास और दिल के कारण उनका वो भी विश्वास हो जाता है। ऐसे दोस्तों के लिए, दिल घबराने के लिए, दिल घबराता है। कुछ लोगों को तो ऐसा है कि मुझे पता भी नहीं है मुझे क्या है, लेकिन मुझे घबराहट महसूस हो रही है। तो उनके दिल की कमज़ोरी के लिए, दिल की घबराहट के लिए, बुजदिली के लिए मैंने एक नुस्खा जो अपलोड किया था, उसमें यह गोदंती है। इस गोदंती को मैंने, यह हमने लहसुन का नुकदा कूट के रखा है। आपने लहसुन 500-700 ग्राम लेना है, उसको तुरियां तुरियां कर लेनी है, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसको ऐसे ही कूट कर और एक हांडी में डालकर आधा नुकदा नीचे आधा ऊपर, बीच में 50 ग्राम की डली गोदंती की रखें, तो उसको आग दे दें 10-15 किलो की, बीच में से गोदंती निकलेगी, यह वाइट हो चुकी होगी सारी, और ऐसे अब ऐसे टूटती नहीं, ना खून से ऐसे टूटने लगे तो ठीक है। अगर कोई मसला रहे तो दोबारा फिर आग दे दें, या ऐसा करें इसको खरल में डालकर और इसमें लहसुन का रस खरल करें, टिक्की बनाकर और लहसुन के नुकदे में रखकर दोबारा आग दे दें। यह आपकी बेहतरीन गोदंती तैयार है। उसके बाद आपने दोस्तों, यह मोती है मरवारीद जिसको बोलते हैं, ये लेने हैं। इनको 24 घंटे तक अर्क गुलाब में भिगो कर रखें, उसके बाद एक एक खरल में डालते जाएं, थोड़ा उसको पीसेंगे तो फोटक हो जाएंगे ये
इसको पीसते जाएं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसमें अर्क गुलाब का डालते जाएं। तीन आसा से पांच आसा तक हो वो भी चल जाएगा, चार आदशा भी चल जाएगा। अच्छी कंपनी का अर्क लें, ऐसे गुलाब जल ना लें, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। या खुद का निकाला हो या अच्छी विश्वसनीय कंपनी का लें कि वाकई वो गुलाब अर्क है। तो दोस्तों इस मोती को, ये मोती नकली भी आते हैं, इनका भी ध्यान करें। इनको परखने के लिए आप ऐसा करें, एक गर्म कोई लोहे का चीज़ ले लें या कोई गर्म अंगारा ले लें, यानी कि कोयला आग की कोई चीज़ ले लें, उसके ऊपर यह डालेंगे। अगर तो यह फूट कर उड़ गया फट कर, तो ये साफ लगा लें कि यह है, या पिघल गया तो प्लास्टिक के हैं, अगर वहीं पड़ा रहता है तो यह ओरिजिनल है। यह मोती की परख कर लें, उसके बाद आप इन मोतियों को अर्क में डालकर तो निकाल कर फिर खल करते जाएं। तो इसमें एक बोतल, आधी बोतल, एक तोला लिया है तो आधी बोतल खरल कर दें गुलाब अर्क की। तो जब गुलाब अर्क करेंगे यह थोड़ी सी फूलने लग जाएगी, जैसे झागनुमा बनता है। तो जब वो ख़त्म हो जाए तो इसमें अर्क गोजवान या तो खुद बना लें या किसी अच्छी कंपनी का अर्क गोजवान लें, रबो 250-300 ग्राम उसको इसमें खरल कर दें। तो यह आपकी पिष्टी तैयार है, मोती पिष्टी इसको बोलते हैं। इसको साइड में रख लें, जब आपकी गोदंती भी तैयार हो जाए और ये दोनों आपस में मिलाकर खरल कर लें। खरल करने के बाद इसमें 250 mg तक का कैप्सूल भरें, सुबह शाम दूध से खाएं, अनार सेब ऐसी चीज़ों का सेवन करें, तो 15 दिन से 1 महीने में आपकी दिल की घबराहट कमज़ोरी सभी दूर हो जाएगी। जिनको धड़कन महसूस होती है वो ठीक हो जाएगी, दिमाग में शांति आ जाएगी, उतावलापन ख़त्म हो जाएगा, और जिस्म में अनेकों प्रकार की दर्दें जहाँ छोटा छोटा बुखार बना रहना वो भी इससे ठीक हो जाता है। यह कुस्ता शरीर में गया हुआ नुकसान नहीं पहुँचाता, फ़ायदा ज़रूर देगा। तो यह दवाई खाने के बाद आदमी की घबराहट, चाहे वो सेक्स के मुतल्लिक हो, चाहे किसी के झगड़े के मुतल्लिक हो, चाहे किसी फिल्म पिक्चर को देखकर उसको घबराहट होती है, या किसी का दुख देखकर उसको बहुत घबराहट होती है, तो उन दोस्तों को यह इतनी ताकत देगा कि वो बड़े से बड़े हादसे को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों यह हम बना रहे हैं, ये वीडियो दिखाने का मतलब मेरा यही है कि बाद में लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें यह दवाई चाहिए, तो वो होती नहीं। अभी हम गोदत्ती बना रहे हैं, जिस दोस्त को भी यह दवाई चाहिए हम उसके नाम की मोती इसमें डालकर बना देंगे और फिर उनको पहुँचा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।